आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A wooden block of mass 20 gram is dropped from the top of a cliff 50 meter high. मतलब एक टॉप एक क्लिफ है जिसका हाइट कितना है 50 मीटर है, वहाँ से हम एक 20 ग्राम मास के एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। ठीक है। साइमल्टेनियसली अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। मतलब उसी समय हम क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम के बुलेट को नीचे से फायर कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड है। द बुलेट एंड द वुडन ब्लॉक विल मीट ईच अदर आफ्टर टाइम। तो हमें बताना है कि बुलेट और ब्लॉक जो है कब मिलेगा, हमें ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रिलेटिव मोशन का अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तो मान ली हमें ये दिख रहा है सब, ये क्या हो रहा है, एक क्लिफ है, ठीक है, ये उसका फुट हो गया, उसका क्या हो गया, टॉप हो गया। तो पहला कंडीशन क्या है कि हम वहाँ से इसके टॉप से एक बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 क्या हो गया, जीरो, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन होगा, और हमेशा क्या रहेगा नीचे की ओर, हम नीचे को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव जी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वहाँ से हमें नीचे से एक बुलेट को फायर करें, उसकी वेलोसिटी u2, उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड वेलोसिटी हमने क्या लिया, पॉजिटिव, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a2 क्या होगा, नीचे की ओर ही होगा, इसका मतलब -2 होगा, क्लियर है। और उसका हाइट कितना है, 50 मीटर। तो हम ध्यान देंगे तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u हम मान लेते हैं, v रिलेटिव क्या हो जाएगा, u2 -u1, क्लियर है। तो 25 -0, तो यहाँ पे v रिलेटिव क्या आ गया, 25 आया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और a रिलेटिव की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a2 -a1, क्लियर है। और वो क्या है, -g -g, यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे ए रिलेटिव क्या आ गया, जीरो आ गया, क्लियर है। अब अगर हम ध्यान देंगे तो अगर ये ब्लॉक कुछ समय में इतना ऊपर जाएगा फायर करने के, इसका मतलब यह है कि ये ब्लॉक उसी समय में इतना नीचे आएगा, तभी तो मीट करेंगे, क्लियर है। इसका मतलब इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 मीटर हुआ है, यानी कि हमें डी रिलेटिव भी क्या मिल गया, 50 मीटर मिल गया। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि s relative is equal to u relative t plus half a relative t का स्क्वायर, क्लियर है। रिलेटिव के केस में क्या लगा देंगे, s relative is equal to u relative t plus half a relative t का स्क्वायर। यहाँ पे s relative कितना हो गया हमारा, 50 मीटर, u relative कितना है यहाँ पे, 25, u relative कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकालना है, और a relative क्या है, जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी जीरो, यानी कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/25, यानी कि 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि हमारा t कितना आ गया, t की वैल्यू क्या हो गई, 2 सेकेंड हो गई, t की वैल्यू क्या हो गई, 2 सेकेंड हो गई। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।